are in Waterfront and we are finally doing a market task जो हमें बहुत शुरू से करना था. सब लोग बहुत एक्साइटेड थे मार्केट टास्क के लिए. अब फाइनली हम कर रहे हैं और अगर आप क्राउड देखोगे तो यू गो मैड बिकॉज बहुत सारी पब्लिक है यहाँ पे. देखो सब कुछ एपिसोड में देख सकते हो बट आपने थोड़ा बहुत देख लिया अभी. सो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है. कंटेस्टेंट्स हमारे वाई वाई बनाने वाले और अलग अलग तरीके के वाई वाई बनाने वाले. वाई वाई ब्रांडेड टास्क है. सो ऑल्सो वी आर क्लोज टू फिनाले एंड दैट्स इट. आई होप दे विल हैव फन. आफ्टर स्काई डाइविंग दे आर कमिंग हियर एंड मेकिंग वाई वाई. सो लेट्स सी. और ये देखो हमारा सबसे बड़ा काम चोरी है. ये हमारा सबसे बड़ा काम चोर है जिसका कभी साउंड ढंग से कभी टाइम पे आता नहीं है. कभी जिंदगी में एक आरएफ ढंग पे कोई ढंग के कैमरा पे आरएफ लगाया नहीं है. भागना दौड़ना कूदना उछलना झगड़ा करना ये सब कंटेस्टेंट्स को आता है. पकाना आता है कि नहीं दिमाग को तो पका देते हैं लेकिन खाना पकाना आता है कि नहीं ये हमें नहीं पता है. तो उनको यहाँ बना वो एंड दे हैव टू फीड द पीपल. देख लो पीछे कितनी जनता है. दे हैव टू फीड देम. If I'm having it kacha, then I can probably chop tomatoes and carrots and cook the masalas and put all these masalas as well and make it kacha as well like a snack. Yeah. So that is a, so I can tell them make one kacha and I can make cook one. And make one in cup noodle form. You can do that. We love having you as our guests in South Africa. So I'm gonna miss you lots when you leave. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि वाई वाई के साथ टास्क कैसे बनाए कैसे बनाए कैसे बनाए. पर फाइनली वी केम अप विद वन थिंग क्या साउथ अफ्रीका को देंगे इंडिया का टेस्ट. दिस इज एन अमेजिंगली एंटरटेनिंग टास्क. हमारा आज का टास्क परफॉर्म किया तीन टीम्स में. दी टॉप थ्री एंड प्लस केविन एंड मूस हुए दी कंटेस्टेंट्स हियर हुए प्रेजेंट हियर जजिंग ऑल ऑफ दी थिंग्स दैट वाज गोइंग ऑन. हमारे शेफ्स थे. दी साउथ अफ्रीकन ऑडियंस हैड अ ब्लास्ट हैड अ ग्रेट टाइम. उनको बहुत ही ज़्यादा मजा आया. इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाई वाइज प्रिपेयर किए. इन सबको खिलाया. खिलाने के बाद जो मोमेंट था एक सब्जी मंडी बोलो फिश मार्केट बोलो दैट वॉज यू नो आउट डन. South Africa has witnessed the Indian madness and it was an amazing week I would say and it is the right kick into the finale and we are right almost to the finale. South Africa, you have treated us amazingly well and this was our turn to you know treat you with some YY, treat you with the love, treat you with the respect. कर रहा है जो हमारे एक्स रोडीज जो बाहर हो चुके हैं वो आज आने वाले हैं. तो हमारे जो नए रोडीज़ हैं वो उन पर कितना पैसा लगा के उनको खरीद सकते हैं उनको एज अ हेल्पर ले सकते हैं उस चीज़ पे डिस्कशन चल रहा है. शी इज़ वेरी हैप्पी विद द वे आवर क्लाइंट्स हैव बीन ट्रीटिंग हर सिंस टुडे. टुडे इज़ द फाइनल डे. So we are just trying to figure how to put an Infinix branding on the ocean. An Infinix branding near dedicated to Miriam Makeba. So that's our biggest task right now. Ori, the ask is that paint the ship with Infinix logo. This is not roadies. This is Infinix today. We have to put Infinix everywhere. Let's do it. वैसे सब लोग 5 बजे से जगे हुए यहाँ पे किए जा रहे. बहुत सारा प्रॉब्लम्स हुआ था यहाँ पे कि लोकेशंस के लास्ट मोमेंट में परमिशंस चेंज हो गए थे. बारिश आ गया था. इससे बहुत सारे चैलेंजेस हुए और बट सब लोग ने ठान लिए कि फिनाले आज करके ही मानेंगे. फाइनली वी आर डन विद द ब्रीफिंग एंड लेट्स रॉक द फिनाले. गाइस कैन वी हैव द हेल्पर्स प्लीज. एक्शन कम.
was making the big serve. Datta, I don't know what she's doing. She's opening a dhaba. Sohil is the chatur one. Please look at the sandwiches. अरे एक इनसे हॉट डॉग नहीं खत्म हो रहा. मैं तो मुंबई में रहता था ना, अभी 10-15 वड़ा पाव खा जाता था इतने टाइम. वहाँ पे उनको खा के कहीं और जाना है, जहाँ के उनको वहाँ पे एक और टास्क करना है, फिर उन्हें एक लोकेशन क्लू मिलेगा एंड आफ्टर दैट दे विल गो एंड राइड ऑन देयर न्यू बाइक, जो बहुत ही क्रेजी बाइक है. मुझे भी चलाने का मन है बट भाई के पास इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं है. लास्ट लेवल राइट नाउ, लास्ट स्टेज. तीन स्टेजेस हो गए हैं. स्टार्ट बहुत लेट हुआ था क्योंकि वेदर वॉज नॉट विथ अस. जो सुबह 11 बजे स्टार्ट होना था वो दोपहर के 3:30 बजे स्टार्ट हुआ था. तो वी जस्ट बीन रनिंग बिहाइंड टाइम एंड वी आर हियर फाइनली. होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड थिंग्स विल हैपन. करना तो है ही, ख़त्म तो करना है, फिनाले है. लास्ट लेग जो फिनाले वाला है ये भी तो बचा है. इसमें कार वार धक्का मारने वाले हैं ये लोग, आंखों में पट्टी बांध के. कॉशन गाइज, डू नॉट ट्राई दिस एट होम बिकॉज दिस इज बीइंग परफॉर्म्ड अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन. सो प्लीज टेक केयर. एक्सपर्ट सुपरविजन इज अंकित. गाड़ी वाला टास्क था जिसमें लोगों को धक्के मारने थे और यहाँ तक गाड़ी पहुँचाने थी, जिसमें फर्स्ट टीम ने अच्छे से कर लिया. अब लेट्स सी आगे क्या होता है. ये रोडीज बोल रहे हैं इन्होंने बहुत अच्छा टास्क परफॉर्म किया, बहुत अच्छा टास्क परफॉर्म किया, बहुत अच्छा टास्क हम लोग ने परफॉर्म किया है. आज 4 लोकेशन पर टास्क था, फिनाले का शूट 4 लोकेशन पर था और कल रात तक इट वॉज सीमिंग सो अनइम्पॉसिबल. क्या नहीं हो सकता, एक दिन में 4 लोकेशन हो ही नहीं सकते. बट कैसे भी करके हम लोगों ने मैनेज किया. दिस इज़ आर 3rd लोकेशन, इसके बाद एक और लोकेशन है एंड आई एम प्रिटी मच श्योर कि हम लोग ये डे प्लान के अंदर ख़त्म कर देंगे. सो लेट्स सी. बट यार रोडीज, तुम लोग से बढ़िया टास्क हम लोग ने किया आज. हम जा रहे हैं अपने फाइनल डिलीबरेशन रिजल्ट पे. उसके बाद हम किधर जा रहे हैं ये आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा आपका नाता रिश्ता इधर ही ख़त्म हो जाएगा. इसके बाद फिर हम किधर को जाएगा, कहाँ को जाएगा, क्यों जाएगा, ये तो जाएगा. Okay, so we're heading to our last location. We have one hour left. It's right here. We are going to go and finish the season. The season finale. This is it. Watch out. चलिए रोडी सब, मैं आपको टाइमिंग्स बता दूं टास्क के. इसके सबसे कम टाइमिंग्स होंगे वो इस सीजन का विनर होगा. भाटिया एंड नंदू, केविन एंड मूज, आप दोनों में से आज का जो टास्क है मुझे लग रहा है आशीष भाटिया और नंदू जीतने वाले हैं. मुझे अभी तक हमने प्रोड्यूसर्स के साथ मैंने कैलकुलेशन देखा नहीं है तो ये मेरा गेस है, बट आगे देखते हैं क्या होता है. आई थिंक इट्स गोना बी आशीष एंड नंदू. I think Nandu will be one of the winners because she really breaks the prototype of a roadie. This was a new season and we saw a new spark in one of the females which has never been seen on roadies. And I think Nandu has the potential to win. Let's see, the final deliberations are still going on. I think she will. मैं भी मतलब चाहता हूँ कि जो best perform करे वही जीते. It's not like personal choice. जिसके timing कम होंगे वो बड़ी pair इस season का विनर होगा. भाटिया नंदू आपका टाइमिंग है 19 मिनट्स 11 सेकेंड्स
and you guys are the winners. Yeah! Long journey, but worth it by the end of it. What an experience. What a bunch of people. What energy. Great vibes. For a great season of roadies. Journey in South Africa. Where is the party? Chalo, sharab pilayenge. Oh my God! This is on camera, guys. It's on reality. People have changed, times have changed, people have started something at a point, people have ended at a point. Everyone's happy, everyone's smiling. It's been a mad season. Some good, some bad. But I think we're ending it on a great note, and all's well that ends well. Cheers. Everybody needs to leave now! Get the fuck out of here, guys! We're a party! Let's go! I've said it, how many times? It's a wrap.